Hello students, today we'll start your English book with Stars, chapter number 5, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. So first we'll have the introduction of the chapter. Before you read, here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. अब ये जो पूरी स्टोरी है ये एक तरीके से इस स्टोरी में बताया गया है कि एक फादर के साथ फादर जो अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाता है उस स्टोरी सुनाते वक्त जो बच्चा जिस तरीके की क्वेश्चन करता है उनसे वो जो भी मॉरल क्वेश्चन उनसे करता है वो उसका यहाँ पे पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा कि एक बच्चे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे चीजों को देखता है दैट वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. The story revolves around Jack, who is a father to two kids, John, the nickname is Joe, and Bobby. His wife, Clary, is carrying the third child. Jack had a habit of telling his daughter, Joe, a story every evening and on Saturday afternoon naps. This time, when he was telling her a story, she interrupts him and asks him questions whenever she feels that things that are being told are not right. अब ये जो story है, ये एक father जिनका नाम है Jack, उसके around घूमती है, जिसके दो बच्चे हैं, एक का नाम है John, daughter, जो कि nickname Joe है, और एक Bobby, उनका son. उनकी जो wife यहाँ पे है, Clary, उनका बताया गया है कि उनको एक third बीवी होने वाला है. और जैक को आदत है कि वो अपनी बेटी जो जिसका नाम जो है उसको स्टोरी सुनाने की उनको आदत है. और हर इवनिंग जैसे ही सैटरडे होता है तो हर सैटरडे की इवनिंग को वो उनको स्टोरी सुनाते हैं आफ्टर द आफ्टरनून नैप्स. ठीक है, यानी दिन में नींद पूरी जैसे ही दिन की नींद वो लोग ले रहे होते हैं आफ्टरनून नैप्स में तब वो उसको स्टोरी सुनाता है. अब इस टाइम जब वो उसको स्टोरी सुना रहा है अपनी डॉटर को तो वो उसकी डॉटर उनको बीच बीच में इंटरप्ट करती है और उनसे क्वेश्चंस पूछती है उन सब चीज़ों को लेकर जहाँ पे उस बच्चे को लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है कहानी में, तो वो सारे क्वेश्चंस उनसे पूछती है और उनको इंटरप्ट करती है. सो जैक नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फिक्स एंड डजंट नो हाउ टू रिजॉल्व जोस क्वेश्चन. अब जो जैक है इस वजह से अपनी एक प्रॉब्लम में आ गया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो जो के इतने सारे क्वेश्चन जो हैं उनको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे उसका सोल्यूशन निकालें. पेरेंट्स फील दैट चिल्ड्रन शुड डू और थिंक एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड, दे शुड बिलीव व्हाटएवर दे आर टोल्ड बाय देयर पेरेंट्स, बट इट इज द राइट एटीट्यूड. दिस मॉरल क्वेश्चन इज रेज्ड बाय द स्टोरी एंड लेफ्ट फॉर द रीडर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन. अब जो पेरेंट्स होते हैं उनको हमेशा ऐसा फील होता है कि जो बच्चे हैं उनको वो चीज़ें करनी चाहिए जो चीज़ें उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं, उनको वैसा ही सोचना चाहिए जैसे उनके पेरेंट्स ने उनको बताया है. अब यहाँ पर दे शुड बिलीव व्हाटएवर और पेरेंट्स हमेशा ये भी फील करते हैं कि जो चीज़ वो उनको बता रहे हैं वो उस चीज़ पर विश्वास कर लेनी चाहिए, लेकिन क्या ये सही एटीट्यूड है? ये मॉरल क्वेश्चन जो है इस स्टोरी के अंदर हमारे सामने आएगा जहाँ पे एज अ रीडर जो नरेटर है वो रीडर के सामने डिसाइडिंग पॉइंट रख रहा है, वो उन्हें कंक्लूजन निकाल के देगा आपको कि पेरेंट्स सही करते हैं, सही फील कर रहे हैं या नहीं, बट वो एक ऐसा सिनेरियो हमारे सामने इस स्टोरी के जरिए क्रिएट कर देगा जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या बच्चों को उनकी बातों पे हर बातों को मानना चाहिए या नहीं. So after the introduction of the chapter, let's talk about the author, John Hoyer Updike, who was born in March 18, 1932 to January 27, 2009, was an American. वो एक American novelist थे, एक short story writer थे, एक poet थे, एक art critic थे और एक literary critic थे. One of three writers to win the Pulitzer Prize for fiction more than once, Updike published more than 20 novels, more than a dozen of short story collection, as well as poetry, art and literary criticism and children's books during his career. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सिर्फ Pulitzer Prize fiction के लिए जो Pulitzer Prize मिला है writers को एक से ज़्यादा, वो सिर्फ तीन है और उन तीनों में एक ये माने जाते हैं. और यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कम 20 से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखी हैं और शॉर्ट स्टोरी का उनका डजन से भी ऊपर का कलेक्शंस है. एंड उन्होंने बहुत सारी पोएट्री लिखी है, आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन की बहुत सारी बुक्स उन्होंने बनाई है. सो दिस इज व्हाट हिज वर्क इज ऑल अबाउट नाउ. बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर विल स्टार्ट द चैप्टर. In the evenings and for Saturday naps, like today's,
Jack told his daughter Jo a story out of his head. This custom began when she was two, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. Each new story was a slight variation of a basic tale. अब यहाँ पे बताया गया है कि हर शाम को जब भी सैटरडे के लिए सोने नाप बेसिकली होता है कि दिन के टाइम जब आप थोड़ी झपके लेते हो, थोड़े सा सो जाते हो थोड़े टाइम के लिए, तो हर सैटरडे नाप में वो बोलता है कि आज सैटरडे का दिन है, और उसके टाइम पर जो जैक है अपनी बेटी को स्टोरी सुनाने लगता है अपने आउट ऑफ हिज हेड, मतलब अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाकर। और बोलता है कि स्टोरी बनाने का जो कस्टम है, यानी कि जो रिवाज चलता आ रहा है, ये तब शुरू हुआ जब जो सिर्फ 2 साल की थी, और अब ये सुनाते सुनाते पूरे 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए, मतलब 4 साल की अब जो है और 2 साल की जब वो थी तब उसने शुरू किया, तो टोटल 2 ईयर्स हो चुके हैं उसको स्टोरी सुनाते सुनाते, और अब उसके दिमाग में जितनी भी स्टोरीज थी ना वो एक्चुअल में खत्म हो चुकी थी। अब वो ये बोलता है कि हर एक स्टोरी जब वो सुनाता था उनके उसके जो डैड उसको हर एक स्टोरी सुनाते थे, वो हर स्टोरी का एक बेसिक कहानी होती थी, जिस कहानी में वो हर बार बस क्या करता था, चेंजेस कर देता था। और वो स्टोरी क्या होती थी कि वहाँ पर उस हर स्टोरी का बेसिक टेल ये था कि एक स्मॉल क्रिएचर था जिसका यूजुअली नेम रोजर होता था। अब रोजर का जो है जो कैटेगरी चेंज करती जाती थी, कई बार उसको रोजर फिश बोल दिया जाता था, कई बार रोजर स्क्वायरल, रोजर चिम्पंक, इस तरीके से बस उसको चेंज कर दिया जाता था, इसका नाम रोजर ही रहता था। और स्टोरी में बताया जाता था कि रोजर को कोई प्रॉब्लम होती थी और फिर वो एक समझदार आउल के पास जाता था, एक उल्लू के पास जाता था जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है। तो हर स्टोरी की जो बेसिक था वो इस तरीके से होता था। और आगे क्या बताया गया बेसिक के लिए, द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड, विजर्ड इज बेसिकली जादूगर, एंड द विजर्ड परफॉर्म अ मैजिकल स्पेल। मैजिकल स्पेल होता है जब एक जादूगर जादू करने के लिए जो जादुई वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम डिमांडिंग इन अ पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज। अब यहाँ पर ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। अब यहाँ पर बताया जाता था कि जो आउल है वो उसको जो आउल है वो हमेशा से ही जो रोजर होता था उसको बोलता था कि विजर्ड के पास जाओ, ठीक है। वो रोजर खुद आउल के पास जाता था प्रॉब्लम लेके, और आउल उसको समझदार आउल यहाँ पे बताया गया, वो बोलता था कि तुम जादूगर के पास जाओ। जादूगर एक मैजिकल स्पेल बोलता था और उसको बोलने के बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, और जैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी वो जादूगर उससे पैसे मांगता था। पेनीज इज बेसिकली अ स्मॉल सम ऑफ मनी, वो थोड़े पैसे उससे मांगता था, और पैसे जितने भी मांगता था उतने पैसे रोजर के पास नहीं होते थे, हमेशा उससे कम होते थे। तो वो जो विजर्ड है वो क्या बोलता था कि बाकी के पैसे जो हैं वो तुम उसको दूसरी जगह से लाने के लिए एक डायरेक्शन बताता था कि तुम वहां जाओ और वहां से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा से ही जादूगर उसको एक नई जगह बताता था जाने के लिए। देन रोजर वाज सो हैप्पी, ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन व्हिसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। और उसके बाद जो रोजर है वो बहुत खुश हो जाता था, ओके, और रास्ते में जाते जाते वो बहुत सारे गेम्स खेलता था, जितने भी और उसको क्रिएचर्स मिलते थे उनके साथ वो गेम खेलता था। और फिर जैसे ही शाम होती थी और बॉस्टन से जो उसके डैडी जब घर आने वाले होते थे तो एक ट्रेन की आवाज़ आती थी, और उस ट्रेन की विसल सुनते ही वो जो है अपनी मदर के पास घर में पहुंच जाता था। जैक डिस्क्राइब द सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the right seem futile. अब यहाँ पर जो जो है वो finally बताता है कि अपना जो उसका light meal है, supper is basically आपका शाम के time का जो खाना होता है वो, तो जो अपने शाम के time के खाने को describe कर रहा है वो बोलता है कि जैसे ही story you know वो सुनाना शुरू करता है तो वो इतना ज़्यादा थक जाता है, वो इतना ज़्यादा फैटिंग का मतलब होता है कि बहुत जब आप एग्जॉस्ट फील करने लग जाते हो, तो बोलता है कि वो इतना ज़्यादा थक जाता है सैटरडे को, क्यों, क्योंकि जो जो है वो सो ही नहीं रही है सैटरडे, ठीक है, शी इज़ नॉट टेकिंग हर नैप, वो सो ही नहीं रही है बिल्कुल। और ये जो रिचुअल है कि स्टोरी सुना के मैं उसको सुना दूंगा, अब वो बिल्कुल फ्यूटाइल हो चुका है, मतलब पॉइंटलेस हो गया, मतलब स्टोरी सुन के भी उसको नींद नहीं आ रही है, और ये देख कर वो बहुत ज़्यादा थक गया है। Now next para says, the little girl
not so little anymore. The bumps, her feet, her feet made under the covers, were halfway down the bed. The big double bed that they let her in did not seem fantastic, that some magic would occur and she would take her nap like an infant of two, being for nap and when she was sick. It at last arranged herself, and from the way to her fat face deep in the pillow shone in the uplight sitting through the drawn shades. Ab wo kya notice kar raha hai ki jo jo hai wo ab badi hoti ja rahi hai, no? She is growing big. और इतनी बड़ी होती जा रही है कि अब जो उसके बेड पे उसके जो पैर है वो उसको कहीं पे भी स्ट्रेच कर सकती है, ओके? और बेड से बाहर भी उसके पैर जा रहे हैं. अब क्योंकि दरवाजे घर के अंदर विंडो से जो लाइट आ रही है, उस लाइट की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है कि वो लाइट उसके फेस पे पड़ रही है और वो सो ही नहीं रही है, ठीक है? और वो बिल्कुल भी सोने की कोशिश नहीं कर रही है. एंड इस वजह से क्या हो रहा है कि जैक को पता है कि अब ये जो है जल्दी तो सोने वाली है नहीं, बिकॉज जिस तरीके से ये छोटी सी लड़की को कहानी सुना रहा है, उनको लगता है कि अब वो बहुत छोटी नहीं रही, वो कहानी सुन के नहीं सोने वाली है. हर ब्रदर बॉबी वॉज टू एंड ऑलरेडी असली विद हिज बॉटल. जैक आस्क्ड, हू शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? रॉजर. जो स्क्वीज्ड हर आईज शट and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue skunk. She said, family. A new animal they must talk about, skunks at nursery school, having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो उसका brother है Bobby, वो जो कि सिर्फ 2 साल का है, वो already अपनी bottle लेके सो गया है. तो Jack उससे पूछता है अपनी daughter से उसको सुलाने के लिए कि आज की स्टोरी किसके बारे में होगी, और आज की जो स्टोरी होगी वो नाम लेता है रॉजर, और आगे कंप्लीट कर ही रहा होता है कि रॉजर के बाद वो एक एनिमल बताएगा, लेकिन उससे पहले ये जो जो जॉ होती है वो क्या करती है कि वो थोड़े एक्चुअल में ही वो थोड़ी देर पहले तो सोचती है, और सोचने के बाद फिर वो रिप्लाई करती है, और रिप्लाई करने के लिए वो क्या करती है, अपनी आंखों को ओपन करती है, स्क्वीज्ड हर आई शर्ट्स, अपनी आंखें जो है वो एक्चुअल में बंद करती है और स्माइल करती है और थोड़ा सोचती है, और फिर आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है. अब जो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसकी आंखें ब्लू कलर की है, बिल्कुल उसकी मदर के जैसे है, ओके? और वो बहुत ही फर्मली बोलती है कि रॉजर स्कंक. स्कंक इज बेसिकली एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें से बहुत स्मेल आती है, और वो अपने जो प्रेडेटर्स है जो उनका शिकार करते हैं उनसे बचने के लिए वो बहुत ही बेकार स्मेल छोड़ता है, और जो स्मेल उसकी बॉडी से आती है वजह से कोई भी उसको शिकार करने से डरता है, कोई भी एनिमल. तो यहाँ पे बताया गया है कि वो स्कंक का नाम लेती है, मे बी उसने नर्सरी स्कूल में अपने टीचर्स से इस जानवर के बारे में सुना होगा, ओके? और इसी वजह से वो बहुत एंथुजियाज्म के साथ जो है वो उनसे बोलती है. एंड फाइनली जो जैक है उसको अपना नया हीरो मिल गया है, और नए हीरो के साथ वो अपनी स्टोरी शुरू करता है. ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. यस, जो सेड, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. ab yahan pe jo hai jo roger hai, roger jiski story ka naam finally pata chal gaya hero ka ki roger skunk hoga, to jack usko bolta hai ki all right ab hum is pe story sunate hain, aur wo story is tarike se sunate hain ki ek baar ki baat hai, ek ghare jangalon mein ek chhota sa टाइनी सा क्रिएचर था जिसका नाम था रॉजर स्कंक, और वो बहुत ही बेकार स्मेल करता था. तो जो बोलती है हाँ हाँ वो बहुत ही बेकार स्मेल करता था. फिर वो आगे कंटिन्यू करता है कि वो इतना बेकार स्मेल करता था कि जंगल में कोई भी क्रिएचर्स जो थे वो उसके साथ नहीं खेलते थे, कोई भी जानवर उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे. जो लुक्ड एट हिम सॉलेमली, सॉलेमली मीन्स मतलब डीप सिंसियरिटी. She hadn't foreseen. Foreseen मतलब be aware of beforehand. किसी के बारे में पहले से पता होना. She hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliations of his own childhood. All of the other tiny animals would cry, "Ooh, oh, here comes Roger, stinky skunk,"
and they would run away, and Roger Skunk would stand there alone, all alone, and two little round tears would fall from his eyes. अब यहाँ पे जैसे ही वो बोलते हैं कि कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता है, तो जॉर्ज होती है वो ये सुनकर बहुत ही सिंसियरिटी के साथ आगे सोचती है कि आगे क्या होगा. वो चीज़ उसने बिल्कुल एनालाइज ही नहीं की कि उसमें से स्मेल आती होगी तो कोई उसके साथ नहीं खेलता होगा. लेकिन जो जैक है वो अपनी स्टोरी को बिल्कुल एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ कंटिन्यू करता है और बोलता है कि जब भी वो बाहर जाता है तो कोई भी उसके साथ नहीं खेलता. और ये बोलते बोलते वो अपने ही बचपन के टाइम को याद करने लग जाता है. मे बी उसके बचपन के टाइम में भी जो बच्चे हैं उसके साथ नहीं खेलते होंगे, तो वो चीज़ें वो सोचता है. फिर वो बोलता है कि जैसे ही वो बाहर जाता था सारे बच्चे बाहर उसको देखकर चिल्लाते थे, ओ देखो ये स्टिंकी स्कंक आ गया. स्टिंकी का मतलब होता है जिसमें बहुत बेकार स्मेल आती है, वो तो स्टिंकी स्कंक आ गया. और ये बोल के सारे भाग जाते थे. रॉजर स्कंक जो था वो वहाँ पे अकेला खड़ा रहता था और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते थे. The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roker Skunk's tears. Won't he see the owl? अब इतने में जो जॉ होती है वो अपना फेस बहुत ही सैड सा बना लेती है और उसके फेस वो ऐसे जैसे सैड एक्सप्रेशन में कोई फेस बनाता है वैसे फेस वो बना लेती है. और ये बात अब जैक को उसके फादर को पता चल गई है कि हाँ इसको अब बहुत बुरा लग रहा है. ओके एंड देन वो जो है इमिजिएटली जो उसकी डॉटर है वो बोलती है कि क्या वो आउल से नहीं मिलेगा. उसको सारी स्टोरी पहले से पता है कि आउल के पास जो है उसको वो हमेशा जाता है, तो वो उसी चीज़ को रिपीट करती है कि आउल से नहीं मिलेगा. तो शी आस्क्ड इन हाई एंड फेंटली रफ इन वॉइस सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर. जैक फेल्ट दैट द कवर्स टग एज हर लेग स्विच टेंसली. ही वॉज प्लीज्ड विद हिज मूवमेंट. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. ठीक है, अब ये सोच के जो जो बहुत टेंशन में आ जाती है कि वो उस जैसे उसे बोलती है कि वो आउल के पास नहीं जाएगा, तो जैक जो कि बिल्कुल उसके बगल पे बैठा है वो नोटिस करता है कि जो बहुत टेंस्ड हो रही है स्टोरी को लेकर. और वो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा है कि हाँ मेरी स्टोरी में इसका इंटरेस्ट आ रहा है. अब वो इस इंटरेस्ट को और बढ़ाना चाहता है. वो बहुत जल्दी जल्दी स्टोरी नहीं सुनाना चाहता, वो चाहता है कि वो स्टोरी बहुत और भी इंटेंस हो जाए और उस स्टोरी के जरिए वो एक मैसेज कन्वे कर पाए उसको. बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प थियरी पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. And in the tip top of the tree was an enormous wise owl. Enormous is basically जो बहुत बड़ा होता है size में. अब जब वो उसको story सुना रहा है तो उसको नीचे downstairs से जो है आवाज आ रही है chairs को खिसकाने की, drag करने की. अब नीचे जो है उसकी wife living room में पेंट वर्क करा रही है और पेंट वर्क कराते हुए वहाँ से चेयर्स को मूव कर रही है. तो वो क्या सोचता है अपने मन में कि हाँ उसको अपनी वाइफ के पास जाके हेल्प करनी चाहिए क्योंकि शी इज़ प्रेग्नेंट. तो वो ये अपने माइंड में सोच रहा है, लेकिन फिर भी वो स्टोरी को कंटिन्यू करता है और बोलता है कि हाँ लेकिन वो जो जैसे ही सारे के सारे लोग उसको देख के चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं, तो रोजर स्कंक सीधा जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर सीधा एक बड़े से पेड़ के पास जाता है. और उस बड़े से पेड़ के बिल्कुल ऊपर एक बहुत ही बड़ा आउल होता है जो कि बहुत समझदार आउल माना जाता है. गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड. सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड. व्हाट कैन आई डू, रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड. तो अब जब जो सुनती है कि हाँ वो आउल जो है जो वो आउल है उसके पास वो जा रहा है, तो ये सुन के जो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है अच्छा अच्छा हाँ सही है वो आउल के पास जा रहा है ना. तो अब आगे वो कंटिन्यू करता है जैक और बोलता है कि रोजर संग आउल के पास जाके बोलता है कि मिस्टर आउल सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मैं बहुत बेकार स्मेल करता हूँ. तो आउल उसको बोलता है कि हाँ वो तो तुम करते हो. तो बोलता है कि बहुत बहुत बेकार स्मेल करते हो. तो बोलता है कि मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू. रॉजर स्कंक उससे पूछता है और वो जो है बहुत जोर जोर से रोने लगता है. तो इतने में
The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. Now, Joe, Daddy's telling the story. Do you want to tell Daddy the story? No, you me. Then lie down and be sleepy. अब इतने में जैसे वो जो आउल है वो बोलता है कि जैसे वो उस आउल से बात कर रहा होता है, बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, तो जो इतने में जोर जोर से चिल्लाती है, बोलती विजर्ड विजर्ड, क्योंकि उसको पता है कि वो आउल जो है उसको बोलेगा कि विजर्ड के पास जाने के लिए, और वो ये चिल्लाते चिल्लाते खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो खड़ी होती है वहाँ पे, तो बेड पर एक गोल्डन कलर की बुक रखी होती है छोटी सी, जो कि नीचे बेड से गिर जाती है। तो ये देखकर जो जैक है वो और उसको वो उस पर जोर से चिल्लाता है, बोलता है कि नाउ जो डैडी आपको स्टोरी सुना रहे हैं, क्या आप डैडी को स्टोरी सुनाओगी? तो जो बोलती है कि नहीं, आप मुझे सुनाओ, मैं नहीं सुनाऊंगी। तो उसके उसकी जो जैक है वो उसको रिप्लाई करता है, ठीक है तो मैं सुनाऊंगा, तो आप चुपचाप लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड मीन्स रिटर्न टू लेस एक्टिव और वर्स स्टेट, मतलब जब आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है तो उसका दिमाग बिल्कुल जो है एक्टिव नहीं रहा है, बहुत कम एक्टिव हो गया। ऑन टू द पिलो एंड ही सेड, आउट ऑफ योर हेड। Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go to see the wizard? Daddy, what? Are magical spells real? अब जो जो है स्टोरी सुनाने की कोशिश ही कर रहा है, उसके माइंड में कुछ बचा नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो थोड़ा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग से कुछ स्टोरी निकाल के वो बोलता है कि आउल जो है वहाँ पे, अब वो अपनी स्टोरी शुरू करता है कि आउल जो है वो सोच रहा है और सोच रहा है, फाइनली जो आउल है वो उसको बोलता है कि तुम विजर्ड के पास क्यों नहीं चले जाते? अब वो स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है, इतने में जो उसको इंटरप्ट करके बोलती है कि डैडी, तो वो बोलता है क्या? तो वो उससे पूछती है कि क्या जो मैजिकल स्पेल्स होते हैं वो रियल होते हैं? मैजिकल स्पेल्स यानी कि आप जादू की कोई लाइंस बोलकर एकदम जब जादूगर जादू कर दे, तो वो बोलती है कि क्या ये मैजिकल स्पेल्स सच में होते हैं या रियल होते हैं? This was a new phase, just this last time a reality phase. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And then Cleary told her God was in the sky and around them. She turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? अब यहाँ पे जो जैक है वो यहाँ पे एक चीज बताता है कि ये उसकी लाइफ का एक बिल्कुल नया फेज है, जो कि लास्ट मंथ से ही सामने आया है, एक रियलिटी फेज जैसा है कि अब जो जो है वो बहुत छोटी नहीं रही है, वो अब बड़ी हो गई है, तो अब वो चीज़ों को जानना चाहती है। कई बार जब भी वो अपना जो जैक है, जब उसको बोलता है कि जो स्पाइडर्स है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो क्या करती है, वो अपनी मदर के पास जाती है और पूछती है कि क्या सच में जो स्पाइडर्स है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं? और जब उसकी मदर उसको बताती है कि गॉड आसमान में होते हैं, सब जगह होते हैं, तो वो अपने फादर के पास जाती है और पूछती है क्या ये सच है कि गॉड सब जगह होते हैं या नहीं होते हैं? ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट।